आज हम लोग जा रहे हैं आइकिया और आज डे है फ्राइडे और यहाँ पे ऑफ रहता है फ्राइडे को, तो मोस्टली हम लोग फ्राइडे और सैटरडे बाहर आउटिंग को जाते हैं। तो चलते हैं फिर आज आइकिया में, आप लोग को लेकर चलती हूँ इंशाल्लाह और दिखाती हूँ कि कैसा है यहाँ का आइकिया, बहुत खूबसूरत है। तो चलिए फिर, और अभी यहाँ पे टाइम हो रहे हैं शाम के 7:30 और मौसम चेंज होने लग गया है अभी, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे गर्मी होने लगी है, आप देख सकते हैं मेरी थोड़ी थोड़ी सी स्वेटिंग हो रही है। तो चलिए फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से आइकिया में। सो क्यूट, हेलो, डर रही है। इसके लिए कुछ फूड ले लीजिएगा, मौसम तो इस टाइम पे बाहर अच्छा लग रहा है। सो नाउ मैं आइकिया पहुंच गई हूं और यहां पे पहुंचने के बाद मेरा टेम्परेचर चेक हुआ। इससे पहले जब मैं आई थी लास्ट टाइम तो मेरा तवक्कल नैप चेक हुआ था, बट इस टाइम टेम्परेचर चेक हो रहा है। सो सबसे पहले मैं अपस्टेयर जाऊंगी शोरूम में। यहाँ पे अपस्टेयर आते ही मुझे सबसे पहले लेफ्ट साइड पे एक खूबसूरत सा बालकनी का सेटअप दिखा, और ये देखिए पूरी ग्रास आर्टिफिशियल ग्रास है और ये आर्टिफिशियल सारे प्लांट्स हैं, और ये पेंटिंग लगाई हुई है ताकि थोड़ा सा ओरिजिनल फील हो, और ये पेंडेंट लाइट, सब चीज़ें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और ये अंदर एंटर होते ही ये पूरा एक डाइनिंग हॉल सेटअप किया हुआ है, और ये गोल्डन मिरर बहुत खूबसूरत। सबसे अच्छी बात आई क्या कि मुझे ये लगती है कि ये छोटी जगह में भी खूबसूरत अच्छा सेट करते हैं, और ये शैंडेलियर बहुत खूबसूरत है, और ये पूरी टेबल को अच्छे से सेट किया हुआ है। और ये साइड टेबल पे आर्टिफिशियल प्लांट्स और विद लैम्प बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है, और गोल्डन शैंडेलियर, और ये ड्राइंग रूम का पूरा सेटअप है। और अभी ये राइट साइड पे पूरा दूसरा रूम सेट किया हुआ है, और ये लाइट्स पेंडेंट लाइट्स हैं जो बहुत खूबसूरत दे रहे हैं, और ये न्यू अराइवल है, ये कारपेट नया है, और कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये फेरी लाइट्स भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। आपको यहाँ से आइडिया मिल सकता है और आप भी अपने घर को इसी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। और ये ब्लैक एंड वाइट प्लेट सेट अभी न्यू अराइवल है, और ये 12 रियाल की पर पीस है, और बहुत खूबसूरत लग रही थी लेकिन ये। और अब ये इन्होंने बाथरूम का सेटअप किया हुआ है, यहाँ पे वॉल पे मिरर लगाया है बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर का, कम स्पेस में कितना खूबसूरत बाथरूम आप अपने घर में भी बना सकते हैं, इससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा। ये अंदर की तरफ शावर एरिया है, और ये मिरर है जिसमें लाइट्स लगी हुई हैं, और ये वैनिटी काफ़ी स्पेशियस है, इसमें स्टोरेज बॉक्स भी आप रख सकते हैं,
चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती हैं इस तरह से। तो अब अंदर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे मुझे ये फूड ट्रॉली दिखी जो कि 149 की है और ये काफ़ी स्पेशियस है। ये काफ़ी ख़ूबसूरत, काफ़ी बड़े एरिया में ड्राइंग रूम सेटअप किया है इन्होंने और ये टीवी यूनिट है जो कि काफ़ी बड़ी है। और अब दूसरी तरफ चलते हैं तो यहाँ पे छोटे से ड्राइंग रूम का लेआउट है। और अभी ये वॉल पे मिरर लगा हुआ है, ये 4 का एक पूरा पैक आता है जिसको आप वॉल पे स्टिक कर सकते हैं। और ये फेरी लाइट मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी। आईकिया की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि ये कम जगह में भी काफ़ी अच्छा सेट करते हैं और चीज़ें मतलब बहुत कोज़ी लगती हैं और बहुत क्यूट लगती हैं। और आप इधर देखिएगा तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोफ़े दिखेंगे। फर्नीचर का जितना भी आइटम होता है आपको अपस्टेयर मिलता है और ग्राउंड फ्लोर पे जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, एक्सेसरीज़ वगैरह होते हैं, वो सब मिलते हैं। यहाँ पे हर रूम का अलग थीम होता है, कोई ब्लैक होता है, कोई वाइट होता है, कुछ मतलब कलरफुल होते हैं, सबके अपने अपने थीम होते हैं और उस हिसाब से ये पूरा सेटअप करते हैं। और अब यहाँ पे एक छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट का पूरा सेटअप है। ये कम स्पेस में भी चीज़ों को कैसे आप अच्छे से सेट कर सकते हैं आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। ये किचन कितना मॉडर्न लुक दे रहा है। और आप इसमें देखिए कि वॉशिंग मशीन का भी सिस्टम किचन में ही है। कम स्पेस में कितना खुला खुला प्यारा सा लग रहा है। और अभी यहाँ पे क्लीनिंग का काम चल रहा था इसलिए मुझे अंदर नहीं जाने की परमिशन थी। और ये ओपन लेआउट है किसी बड़े से विला का मुझे लग रहा है जिसमें ऊपर स्टेयर्स जाती है, बेडरूम वगैरह ऊपर होते हैं और ड्राइंग रूम नीचे। मुझे उस तरह का कुछ सेटअप लग रहा है। और ये डाइनिंग टेबल पूरी सेट की है, बहुत खूबसूरत लग रही है और पेंडेंट लाइट इसको बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है। और अब दूसरे रूम में चलते हैं तो यहाँ पे मुझे पूरा ये वॉल पे फ्रेम डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के दिखे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे सब फ्रेम आपस में एक दूसरे के साथ। I'm not afraid to die.
तो चलिए फिर दूसरी रूम की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे देखिए एक स्टडी टेबल छोटी सी रखी हुई है और प्लांट्स हैं। आइकिया की प्लांट्स की सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ ये है कि ये फेक नहीं लगते हैं, ओरिजिनल लगते हैं बिल्कुल। आप दूर से और पास से भी देख के आपको मतलब ये नहीं लगेगा कि ये आर्टिफिशियल है। मुझे बहुत पसंद है आर्टिफिशियल आइकिया के जितने भी प्लांट्स हैं। और यहाँ पे टीवी वॉल यूनिट काफ़ी बड़े स्पेस में है। और अब आगे चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ। और ये कलरफुल वॉल के साथ वाइट कलर की रैक बहुत खूबसूरत लग रही थी। और इस तरफ ये वाइट कलर की ओपन रैक है, आप इसमें डेकोरेशन की चीज़ें भी रख सकते हैं, क्रॉकरी भी रख सकते हैं कुछ भी। और ये देखिए आर्टिफिशियल प्लांट बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है और इससे लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब दूसरी तरफ आते हैं तो ये देखिए यहाँ पे वॉश बेसिन है और ये काफ़ी अच्छे साइज़ का दो मिरर दिया है। और ये वैनिटी काफ़ी स्पेशियस है और इसमें भी स्टोरेज बॉक्स रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्टोर आप चीज़ों को कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज रख सकते हैं अपनी चीज़ों को। और अब इसके दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको ये दिख रही है डाइनिंग टेबल का पूरा सेटअप। और इसके बीच में इन्होंने ये वुडन का पार्टीशन दिया हुआ है ताकि अगर आपको हैंड वॉश वगैरह करना हो तो वो बुरा ना लगे। ये मुझे इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। और एक ये छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट का लेआउट है। ये किचन बहुत छोटा सा है लेकिन काफ़ी स्पेशियस है और बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है। छोटी सी डाइनिंग टेबल है लेकिन सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सेट है। और एक्स्ट्रा में चेयर भी हैंग है, काफ़ी अच्छा आपको आइडिया मिल सकता है यहाँ से। और ये किसी बड़े से विला का पूरा सेटअप है किचन का। ये काफ़ी मॉडर्न लुक दे रहा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा था तो अभी इधर सब परमिशन नहीं थी जाने की, तो मैंने बाहर से ही इसको रिकॉर्ड किया है। आप बाहर से ही देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये मॉडर्न लुक का किचन, क्यूट लग रहा है बहुत ज़्यादा। मुझे आइकिया की चीज़ें बहुत क्यूट लगती हैं। मुझे ये ब्लैक एंड वाइट रग बहुत खूबसूरत लग रहा था, किचन का लुक इससे बिल्कुल चेंज हो गया था। यहाँ पे जितने भी रूम और किचन और सब सेट करते हैं तो सब एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं करता है। और अब ये देखिए ये भी बिल्कुल डिफरेंट है। अभी यहाँ पे भी काम चल रहा है तो अभी पूरा तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, तो जब हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर आपको दिखाऊंगी।
और आप इधर आएंगे तो देखिए एक छोटी सी बैल्कनी का पूरा सेटअप है जहाँ पे इन्होंने ये पेंटिंग लगाई हुई है। ये पूरा सी व्यू दे रहा है और ये आर्टिफिशियल प्लांट्स बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं। और ये अंदर की तरफ किचन है जहाँ पे मैं चीज़ों को चेक कर रही हूँ। और अब दूसरी तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये बेडरूम विद नर्सरी, लाइक आप बच्चों के साथ होते हो तो। और ये क्रिप के साथ दिया गया है बेड। और अब आप इस तरफ देखिए तो आपको ये वाला पूरा रूम ब्लू एंड वाइट थीम में दिखेगा। आपको इसमें बेडशीट भी ब्लू एंड वाइट, कर्टन भी ब्लू एंड वाइट एंड वॉल भी ब्लू दिख रही है, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। और अभी दूसरे रूम की तरफ चलते हैं तो देखिए इन्होंने पूरा पिंक एंड वाइट का सेटअप किया है। और यहाँ पे इन्होंने पिंक और वाइट कर्टन लगाए हैं और वाइट फर्नीचर है, काफ़ी कोजी लग रहा है। और अभी दूसरे रूम की तरफ आते हैं तो यहाँ पे बच्चे खूब खेल रहे थे। यहाँ पे बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करते हैं। और अभी इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट कर दिया है, सब रेड रेड का थीम है यहाँ पे ज़्यादातर, रेड पिंक एंड वाइट। तो आप देखिए जितनी भी ज़्यादातर चीज़ें आपको दिख रही हैं वो आपको रेड में दिख रही हैं या पिंक में या वाइट में। तो सब रूम, सब किचन, सब सेटअप एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई भी एक दूसरे से सिमिलर नहीं है। और यहाँ पे ये शेल्फ़ भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। और छोटा सा बाथरूम है लेकिन काफ़ी कम स्पेस में काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज है हर चीज़। और अब आगे चलते हैं तो देखिए इन्होंने पूरे इस रूम का सेटअप वाइट एंड स्काई ब्लू किया है। और ये पेंडेंट लाइट बहुत खूबसूरत लग रही है। और ये वाइट फर्नीचर, उसके ऊपर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रेम और ये ग्रे रग्स, सब एक दूसरे को बहुत ही बहुत खूबसूरत लग रहा है।
और अब ये एक सेक्शन है पूरा किड्स रूम का, ये पूरा सेटअप किया हुआ है। और यहाँ पे जो फ्रेम लगाए हैं ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और ये स्टोरेज पूरा बॉक्स है इसमें, और ये बंक बेड है, इसमें बच्चे ऊपर नीचे दोनों में सो सकते हैं, और कर्टन भी लगा हुआ है। ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा आप लोगों को इससे, अगर आप अपने बच्चों के लिए भी रूम सेट करना चाहते हो इस तरह से। और अब यहाँ से आप बच्चों के लिए सॉफ्ट टॉयज ले सकते हैं। आइकिया के सॉफ्ट टॉयज थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे होते हैं, वॉशेबल भी होते हैं और बहुत ही क्यूट भी होते हैं। तो ये ऊपर पूरा शोरूम था जहाँ पे सब डिस्प्ले में चीज़ें मैंने आपको अभी दिखाई, और ऊपर ही ये रेस्टोरेंट है, कैफ़े, जहाँ पर आप चीज़ें ले कर खा सकते हैं, और ये नीचे की तरफ आप सामान ले सकते हैं। तो अब इतना चलने के बाद मैं काफ़ी हंग्री हो गई थी, तो मैंने शोरमा लिया था, चिकन शोरमा एंड पेप्सी। तो अभी मैं बाहर आके अपना मील इंजॉय कर रही हूँ, उसके बाद मैं जो भी चीज़ें मुझे लेनी है तो मैं जाके वो परचेज करूँगी और आपको भी दिखाऊँगी। अभी यहाँ पे मैं डाउनस्टेयर जा रही हूँ, यहाँ पर आप चीज़ों को ख़रीद सकते हैं, जितनी भी किचन एक्सेसरीज़ हैं और भी जो होम डेकोरेशन पीसेज हैं वो सब आप यहाँ से ले सकते हैं। ये बाउल का सेट 19 रियाल का था, 3 का है पीस, ये काफ़ी अच्छा सेट लगा मुझे और कलर भी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से थे। ये बाउल भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, ये भी 7 रियाल का पर पीस है और ये 12 रियाल का है, ये साइज़ बहुत अच्छा लगा मुझे इसका। और ये प्लेट मीडियम साइज़ की है। आइकिया की क्रॉकरी बहुत अच्छी होती है, एक्सपेंसिव थोड़ी सी होती है लेकिन बहुत यूनिक होती है, और कलर भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत होते हैं, डिज़ाइनिंग तो सब एक दूसरे से मतलब डिफरेंट होती है और बहुत ही यूनिक होती है। अभी आजकल आइकिया में मुझे ग्लास का कलेक्शन थोड़ा सा कम लग रहा है, इससे पहले काफ़ी था। मैं स्पेशली ग्लास लेने गई थी लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा समझ भी नहीं आया तो मैंने ग्लास नहीं लिया। और ये ट्रांसपेरेंट कप है, ये बहुत खूबसूरत है, ये मेरे पास है, मैं पहले ले चुकी हूँ इसको तो मैंने नहीं लिया। और ये वाटर जग है जिसका कलर बहुत खूबसूरत है, मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा था।
और ये कॉफ़ी कैटल है, ये अभी नया कलर आया है, ये कलर काफ़ी इन है और पहले सिर्फ ब्लैक में था जब मैंने लिया और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। और ये पोर्टेबल शेल्फ है, ये काफ़ी यूज़फुल है, ये मैंने लिया था अपने किचन के लिए। ये स्ट्रेनर है, ये लूज़ टी के लिए है और लूज़ ग्रीन टी के लिए, आप गर्म पानी में करके आप इसको कप में डाल सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल आइटम है ये। और ये विदाउट हैंडल ग्लास कॉफ़ी कैटल है। और ये टी कैटल है, आप इसमें चाय पूरी एज इट इज़ डाल सकते हैं और वो स्ट्रेन हो जाएगी। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के और डिज़ाइन के आपको ग्लास कंटेनर दिख रहे हैं। और अभी ये 5 रियाल में यहाँ पे आपको ये ब्रश मिलेगा, आप इससे अंदर आप डिशवॉशर इसके अंदर फिल करके आप अपने जो भी बर्तन वगैरह हैं आप इसको धो सकते हैं। और अभी यहाँ पे मैंने ये ग्लव्स लिया था, ये भी बहुत अच्छा है और इसको बर्तन वगैरह धोने के लिए या क्लीनिंग वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ें मैंने ली थी। ये रंग बहुत सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा था और आप इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आप इसको चेयर पे डाल सकते हैं, फ्लोर पे डाल सकते हैं, जहाँ मर्जी हो बेड पे डाल सकते हैं। और आइकिया में बास्केट का कलेक्शन काफ़ी अच्छा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको बास्केट मिलेगी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, लॉन्ड्री बास्केट और टॉयज बास्केट, आप जिस तरीके से आप इसको यूज़ करना चाहें और आपका सब सामान जो है एक ही जगह पे सिमटा रहेगा और देखने में भी चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ये सब बास्केट हैंडमेड है। और अभी मैं आगे आ गई हूँ नेक्स्ट सेक्शन में, ये सब लाइट सेक्शन है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको लैंप्स दिखेंगे और ये 95 रियाल का लैम्प है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था और काफ़ी मॉडर्न लुक दे रहा है। और ये लैम्प मुझे बहुत पसंद है, ये काफ़ी टाइम से मुझे पसंद था, मैं लेना चाह रही थी तो मैंने इस बार फाइनली ले लिया है। और मैंने ये सिल्वर कलर का लिया है क्योंकि मेरे फर्नीचर से मैच करेगा और ये 85 रियाल का था। और ये रग है, ये बहुत सॉफ्ट था, बहुत ही फ्लफी है। और अभी इस सेक्शन में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रग्स और कारपेट्स वगैरह मिल जाएंगे, आप इसको किचन में और बाथरूम वगैरह में भी इस रग को यूज़ कर सकते हैं। और अभी उससे आगे चलती हूँ तो मुझे यहाँ पे फ्रेम वगैरह दिखे हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इधर डेकोरेशन आइटम्स हैं और हर कलर में आपको फ्रेम दिख रहे हैं, यहाँ पे गोल्डन, वाइट, ब्लैक। और ये कैंडल होल्डर भी मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, छोटा सा था और बहुत प्यारा सा था।
और अभी आप उससे आगे आएंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैंडल्स दिखेंगी, सेंटेड कैंडल्स और नॉर्मल भी, और आपको यहाँ पे लालटेन्स वगैरह मिल जाएंगे। और अभी तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में लालटेन मुझे दिख रहे हैं, पिंक और वाइट। मोस्टली मुझे यहाँ पे वाइट एंड ब्लैक ही दिखता था, बट अभी पिंक भी आ गया है। और ये ग्लास कैंडल होल्डर है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और अभी यहाँ पे पूरा ग्रीनरी सेक्शन है, यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल और ओरिजिनल प्लांट्स मिलेंगे। और ये बैम्बो प्लांट है, ये काफ़ी अच्छा रहता है, इसे मैं ज़रूर अपने घर में रखती हूँ। ये काफ़ी खूबसूरत लुक देता है और कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था, 9 रियाल का एक था। और अभी यहाँ पर देखिए आप कितने आर्टिफिशियल सब फ्लावर्स वगैरह हैं। और ये वाला पूरा सेक्शन आर्टिफिशियल प्लांट्स का था, और ये काफ़ी मतलब लॉन्ग लास्टिंग रहता है। मैं पहले भी प्लांट्स यहाँ पे ख़रीदती थी, स्नेक प्लांट और मनी प्लांट्स वगैरह, तो लेकिन जब मैं इंडिया जाती थी तो मेरा पूरा ख़राब हो जाता था। और वो अच्छा खासा एक्सपेंसिव मिलता है यहाँ पे, एक स्नेक प्लांट मुझे आई गेस 45 रियाल का मुझे मिला था, तो इस वजह से मैंने इस बार आर्टिफिशियल लिया है ताकि जब जाना होगा इंडिया तो ये ख़राब नहीं होंगे ऐसे ही कैसे रहेंगे। तो मैंने यहाँ से फिर आर्टिफिशियल एक ट्री परचेज़ किया है। और ये ओरिजिनल प्लांट है और ये 155 रियाल का था, और ये वाला 355 का है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, ओरिजिनल प्लांट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। और ये ग्लास स्प्रे बॉटल है, इससे आप प्लांट्स को स्प्रे कर सकते हैं। और ये आर्टिफिशियल प्लांट भी बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा था, मुझे लग रहा था कि ओरिजिनल है, तो मैंने पास से देखा तो ये आर्टिफिशियल था, मगर काफ़ी अच्छा है। और अभी बाहर की तरफ इन्होंने पूरा बैकयार्ड का पूरा सेटअप किया है, और अभी यहाँ पे आप देखें आर्टिफिशियल ग्रास और वॉल पे भी आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह लगाया है, और ये शेड्स वगैरह, इससे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप अपने गार्डन में, बैकयार्ड में, इवन टेरेस पे भी आप इस तरह से पूरा सेटअप कर सकते हैं। तो अब मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है और अब मैंने सब चीज़ें लेके बिलिंग कराने लग गई हूँ, और अब मैं बाहर की तरफ जाऊँगी। काफ़ी लेट हो गया है हमें शॉपिंग करते हुए, काफ़ी थक गई हूँ मैं, तो अब मैं अपने घर को जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।